जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे आम का एयरक्राफ्ट के लिए बहुत जल्दी ही 15,000 करोड़ रुपया बजट को हमारे इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से खर्चा किया जाएगा। जी हाँ, ये बजट, ये पैसा हमारे बहुप्रतीक्षित आम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को और आगे ले जाएगा और एक पूरी तरह 5th+ जनरेशन बेसिड आम का के 2025-26 तक फास्ट प्रोटोटाइप को हमारे HAL के तरफ से उड़ान किया जाएगा। साथ साथ 2028 तक ये आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सारे वेरिएंट Mk2, Mk1 वेरिएंट को मास प्रोडक्शन किया जाएगा। हमारे HAL की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। यदि ये बिल HAL को मिल जाता है, मतलब ये पैसा यदि HAL को यहाँ पर मिल ही जाता है, जी हाँ, ये काम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या है खबर, चलिए बिना देर किए जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार हमारे इंडियन गवर्नमेंट को हमारे फ्यूचर अगले पीढ़ी के फाइटर आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम कार्यक्रम को पूरी तरीके से वित्त पोषित करने के लिए मंजूरी देने की संभावना है। जी हाँ, मध्य वर्ष तक ये आमका के फुल डिजाइन डेवलप विकास और फास्ट प्रोटोटाइप की लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपया है, जो ये कार्यक्रम में जुड़े हुए खबरों से निकल रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के आधुनिकरण मानचित्र में लगभग 240 यूनिट स्टील्थ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की तैनाती की परिकल्पना किया गया है, जो कि लगभग 6 स्क्वाड्रन शामिल होंगे, जिसमें फ्यूचर वारफेयर को देखते हुए हमारे एयरफोर्स के तरफ से फुली स्टील एयरक्राफ्ट के साथ भविष्य के हवाई युद्ध का एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि हमारे आमका को डेवलप करने के लिए यहाँ पर हमारे HAL की तरफ से एक बड़ी बात कहा जा रहा है कि यह आमका को 2 चरणों में डेवलप किया जाएगा, जिसमें मैनुफैक्चर किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट हमारे HAL की तरफ से 2 स्क्वाड्रन आमका को डेवलप किया जाएगा, जो कि आमका Mk1 वेरिएंट होंगे। जी हाँ, इसमें बहुत ही सारे एडवांस टेक्नोलॉजी लेस रहेंगे और हमें पता है कि 1 स्क्वाड्रन में 18 यूनिट एयरक्राफ्ट रहते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे HAL की तरफ से फर्स्ट फेज में Mk1 वेरिएंट के 36 यूनिट को डेवलप किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर प्रेस कीजिए। और बाकी जो 4 स्क्वाड्रन आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहेंगे, ऐसे में हमारे एयरफोर्स तो पहले से ही कह दिया है कि हमें करीब 6 स्क्वाड्रन आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसके लिए हमारे HAL की तरफ से ये फुलफिल किया जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे HAL की तरफ से 36 यूनिट आमका Mk1A वेरिएंट को मैनुफैक्चर करने के बाद और जो 72 यूनिट्स आमका रहेंगे, ये सब आमका Mk2 वेरिएंट रहेंगे। जी हाँ, और ये 4 स्क्वाड्रन आमका Mk2 वेरिएंट के बाद हमारे एयरफोर्स के पास 108 यूनिट आमका Mk2 और आमका Mk1A वेरिएंट शामिल रहेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि ये के 5th+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसमें लगने वाले हर एक कंपोनेंट स्पेयर पार्ट 6th जनरेशन रिएक्ट करेंगे। जी हाँ, और जानकारी के लिए बता दें कि 5th+ जनरेशन और 6th जनरेशन में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेमी रडार और एवियोनिक्स यहाँ पर इंडक्शन किया जाता है और ये 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एयरक्राफ्ट विश्व स्तर पर वर्तमान में किसी भी लड़ाकू जेट की तुलना में अधिक एडवांस या उन्नत टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, और हमारे फ्यूचर वारफेयर को देखते हुए यहाँ पर हमारे HAL की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2026-27 तक आमका के फास्ट प्रोटोटाइप को उड़ान किया जाएगा। और हमें पता है कि हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से ये जो फास्ट वेरिएंट आमका Mk1 को डेवलप किया जाएगा, इसमें अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन के द्वारा ये आमका Mk1 वेरिएंट को पावर प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पर बाकी जो 72 यूनिट्स आमका Mk2 वेरिएंट को हमारे HAL की तरफ से डेवलप किया जाएगा, तो इसमें हमारे स्वदेशी 110 किलो न्यूटन बेसिड इंजन शामिल रहेगा। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे HAL और हमारे DRDO और हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कैसे काम किया जा रहा है। जैसा हमें हाल ही में पता ये है कि हमारे DRDO की तरफ से रोल्स रॉयस के साथ कोलाबोरेशन किया जा रहा है, एक 110 किलो न्यूटन इंजन को डेवलप किया जाएगा, जो कि EJ200UPON इंजन को बेस्ड होगा। और ये इंजन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP अधिकार को हमारे भारत के पास रहेगा और यह ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने अपने IP अधिकारों को हमारे भारत में स्थानांतरित करने के लिए भी सहमत व्यक्त की है। साथ साथ ये जो रोल्स रॉयस के साथ हमारे DRDO ये जो न्यू EJ200 इंजन को डेवलप करेगा, इसमें हमारे ज़्यादातर स्वदेशी टेक्नोलॉजी शामिल रहेंगे। इसमें जो पहले से हमारे कावेरी इंजन में जो जो टेक्नोलॉजी को रिक्वायर किया जा रहा था, जो जो स्पेयर पार्ट कॉम्पोनेंट को रिक्वायर किया जा रहा था,
वही थोड़ा शामिल रहेगा ये न्यू वेरिएंट इंजन में, और फिर ये पूरी तरीके से हमारे बिल्कुल स्वदेशी इंजन होगा। और फ्यूचर में हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ हमारे कई सारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट को पावर प्रोवाइड करेगा, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात होता है। सो फ्रेंड्स, यह था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ वीडियो पे कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।